हेलो एवरीवन, माय सेल्फ दीपक तिवारी वेलकम्स यू ऑल इन माय बायोलॉजी क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लाइफ स्पैन। तो आइए देखते हैं क्या होता है लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन, व्हाट इज लाइफ स्पैन? तो लाइफ स्पैन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से उसके डेथ तक का जो टोटल टाइम होता है, मतलब जब उसने जन्म लिया है तब से जब तक वो मर नहीं जाता, उसका टाइम जो होता है, एक एवरेज टाइम पीरियड जो होता है, उसी को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, देखें तो टाइम पीरियड फ्रॉम द बर्थ टिल द डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक का जो टाइम पीरियड होता है, दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड व्हाट? दैट टाइम पीरियड इज कॉल्ड लाइफ स्पैन। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता। उसको हम देखने के लिए, उसको हम समझने के लिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का लाइफ स्पैन कितना होता है, 1 से 2 वीक। राइज 3 to 4 month का लाइफ स्पैन होता है। क्रो 15 years का लाइफ स्पैन होता है। बनाना हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 25 years, वेयर एज फ्रूट फ्लाई हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 30 days। दिस वन इज व्हाट? डेज। 30 days का लाइफ स्पैन होता है। क्रोकोडाइल का लाइफ स्पैन कितना होगा? 60 days। टोटोइज का लाइफ स्पैन कितना है? 100 to 150 days। कितना हो गया? तो 100 to 150। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्रोकोडाइल का साइज बड़ा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसकी लाइफ जो होगी, जो लाइफ स्पैन जो होगा वो भी ज़्यादा होगा, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता। वहीं टोटोइज उससे छोटा है, बट उसका लाइफ स्पैन काफ़ी ज़्यादा है, 100 to 150 years। और सबसे ज़्यादा देखें अगर हम तो बनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है, उसका लाइफ स्पैन देखिए कितना है, 200 years। 200 साल तक एक बनियन ट्री एवरेजली जिंदा रहता है। फिर और आगे देखते हैं हम तो रोज़ का लाइफ स्पैन कितना है, 5 to 7 years। काऊ, गाय का लाइफ स्पैन 20 to 25 years है। डॉग विल हैव ऑल्सो सिमिलर, 20 to 25 years। हॉर्स 60 years, एवरेजली 60 years। एलिफेंट 60 to 90 years। और वेयर एज पैरट हैज अ लाइफ स्पैन ऑफ 150 years। यहाँ पर ध्यान देना है, पैरट को लेकर के कॉन्ट्रोवर्सी है। पैरट की बहुत सारी स्पीसीज मिलती हैं जो कम लाइफ स्पैन से लेकर के ज़्यादा लाइफ स्पैन तक होती हैं। तो मैक्सिमम जो किसी भी पैरट की स्पीसी की लाइफ स्पैन होती है, वो होती है 150 years। ऐसे कुछ पैरट्स भी पाए जाते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 20 to 30 years और 60 years भी होती है, बट जो सबसे ज़्यादा लाइफ स्पैन वाला पैरेट पाया जाता है वो होता है 150 years। ऑल ओवर हम कंक्लूजन में क्या आते हैं कि भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है, वो लाइफ स्पैन उसके साइज पे तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। ओके, नाउ फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं तो लाइफ स्पैन है तो पूरी लाइफ में किसी भी ऑर्गेनिज्म के कितनी फेजेज आती हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में अगर हम फेज ऑफ लाइफ बात करें, स्टेजेस अब बात करें, तो कितनी फेजेस आती हैं? तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की लाइफ में 3 stages आती हैं। कौन कौन सी? तो जिसमें पहली स्टेज होती है क्या, जेवेनिल फेज यानी कि वेजिटेटिव फेज। फिर दूसरी फेज होती है रिप्रोडक्टिव फेज। और तीसरी फेज होती है क्या, सेंसेंट फेज। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे जेवेनिल फेज, पहली फेज यही होती है, जिसको हम और भी क्या कहते हैं, वेजिटेटिव फेज। वेजिटेटिव फेज, जेवेनिल फेज को हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं प्लांट्स के केस में। ध्यान देना है यहाँ पे कि वेजिटेटिव फेज हम इसको किस में कहते हैं, प्लांट्स के केस में इसको हम वेजिटेटिव फेज कहते हैं। दिस वन इज प्री रिप्रोडक्टिव फेज, यानी कि रिप्रोडक्शन के पहले की फेज होती है। ये वो फेज होती है जब ऑर्गेनिज्म क्या करता है, तो बर्थ के बाद जब ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, सेक्सुअल मैच्योरिटी से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब उसके सेक्सुअली मैच्योर होने से पहले का, सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव जो होती है उसकी, वो एबिलिटी को गेन करने से पहले का जो टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड उसका जेवेनिल फेज होता है। और ये उस समय उसकी बॉडी की ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, उसकी हाइट बढ़ती है, ये सारा का उसके सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप करते हैं, ये सारा का सारा काम जिस फेज में होता है उसको हम जेवेनिल फेज कहते हैं। बचपन में जैसे आपने ह्यूमंस में देखा होगा, तो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो वो सारा कुछ किस फेज में हो रहा है, तो वो सारा कुछ होता है प्री रिप्रोडक्टिव यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज के पहले की स्टेज जो होती है वो, और इसी को हम जेवेनिल फेज। और प्लांट में अगर होगा तो उसको हम वेजिटेटिव फेज कह लेते हैं। तो प्री रिप्रोडक्टिव फेज,
पीरियड ऑफ ग्रोथ आफ्टर बर्थ टिल सेक्सुअल मेच्योरिटी, तो कब तक चलेगा ये? सेक्सुअल मेच्योरिटी तक चलेगा। फिर जैसे ही जेवेनिल फेज खत्म होती है तो फिर नेक्स्ट फेज आती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव फेज। तो रिप्रोडक्टिव फेज नाम से ही पता लग रहा है कि ये वो फेज होती है, ये वो स्टेज होती है जब कोई ऑर्गेनिज्म, जब कोई एनिमल, जब कोई प्लांट या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन करने के केपेबल हो जाता है, व्हेन द पर्सन और एन इंडिविजुअल बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो क्या कह सकते हैं इसको, फेज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। ये सेक्सुअल मैच्योरिटी का फेज है, टाइम पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल अटेन्स सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग। ये वो टाइम पीरियड होता है जब कोई इंडिविजुअल सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है और क्या करना स्टार्ट करता है, तो वो रिप्रोड्यूस करने लगेगा, वो सिमिलर यंग वन प्रोड्यूस करने लगेगा। फिर इस स्टेज को क्रॉस करता है वो, तो आता है थर्ड स्टेज में, जिसको हम क्या कहते हैं, तो सेंसेंट फेज कहते हैं। सेंसेंट फेज यानी कि ओल्ड एज। ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा तो रिप्रोडक्शन करेगा ही नहीं, कभी ना कभी कहते हैं ना हिंदी में बुढ़ापा, तो ये वही फेज है, बुढ़ापे की स्टेज है ये। यानी ये वो स्टेज है जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने सेक्सुअल एबिलिटी को लूज कर देता है। पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज रिप्रोडक्शन के बाद की फेज होती है, टाइम पीरियड व्हेन एन इंडिविजुअल लूजेस एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। जब एक इंडिविजुअल रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी को लूज कर देता है, तो ऑल ओवर हम देखें, जैसे हम कहते हैं ना कि बचपन है, फिर जवानी है और बुढ़ापा है, तो वैसे ही क्या है, जेवेनिल फेज हो गया, रिप्रोडक्टिव फेज हो गया और सेंसेंट फेज हो गया, ग्रोथ का फेज, रिप्रोडक्शन का फेज और ये रिप्रोडक्शन के बाद का फेज हो गया। तो ये तीन फेजेस हो गई। किसकी तीन फेजेस हो गई? ये तीन फेजेस हो गई हैं आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म के लाइफ स्पैन की। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम लाइफ स्पैन के बेसिस पर किसी भी प्लांट को देखें, प्लांट अपनी लाइफ स्पैन को कब से कब कंप्लीट करता है, अगर उस बेसिस पर देखें, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लाइफ स्पैन प्लांट को हम तीन टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट और पेरिनियल प्लांट। हमें उम्मीद है कि आपने कभी ना कभी इनके बारे में जरूर सुना होगा। तो क्या होते हैं एनुअल प्लांट? जैसे आपने देखा होगा कुछ प्लांट जो हैं वो साल भर में ग्रो करते हैं सीड्स और फिर बाद में मर जाते हैं, मतलब उनका लाइफ स्पैन जो है वो कितना होता है, एक साल का होता है। तो ऐसे प्लांट को हम क्या कहते हैं, एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स मतलब कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। वो लाइफ साइकिल क्या मतलब, जब वो सीड थे, सीड से वो प्लांट ग्रो करते हैं और प्लांट में फिर से पॉलिनेशन होता है, फ्रूट्स लगते हैं, सीड्स लगते हैं, तो सीड्स टू सीड्स यानी कि ग्रो करके फिर रिप्रोड्यूस करके नया सीड प्रोड्यूस किया, वो पूरा टाइम इन टाइम पीरियड ऑफ वन ईयर। तो ये सारा का सारा काम वो कितना समय में पूरा करते हैं, एक साल के अंदर। मतलब वो पौधा उगा है, मैच्योर हुआ है और उसके बाद फिर उसमें सीड्स लग गए हैं और ये सारा काम होने में कितना टाइम लग गया है, सिर्फ और सिर्फ एक साल का समय अगर लगता है तो उसको हम कहते हैं क्या, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं एनुअल प्लांट। ऑब्वियसली साल भर के अंदर उगने वाले प्लांट, तो ये एनुअल प्लांट हो गए। और वहीं अगर हम देखें बाइनियल प्लांट, इनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में 2 साल का टाइम लगता है, कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल सीड टू सीड इन 2 ईयर्स। कितने समय में? तो सीड टू सीड जो लाइफ साइकिल है वो कब कंप्लीट कर रहे हैं, वो 2 साल में कंप्लीट करते हैं, जो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनको हम कहेंगे बाइनियल प्लांट। और जो 2 साल से ज़्यादा का समय लेते हैं उनको हम कहते हैं पेरिनियल प्लांट। तो पेरिनियल प्लांट क्या हो गए, प्लांट्स दैट लिव फॉर मोर देन 2 ईयर्स। तो बहुत सारे प्लांट देखे होंगे आपने, मैंगो है, ग्वावा है, ये सारे प्लांट जो होते हैं वो 2 से ज़्यादा साल तक जिंदा रहते हैं, तो ऐसे प्लांट को हम पेरिनियल प्लांट कहते हैं। अब आइए हम देखते हैं इसके बारे में। तो अगर गौर करें हम लोग, तो जो एनुअल होता है और बाइनियल प्लांट होता है, इनके बीच में हम तीनों स्टेजेस जो होती हैं, अभी जो आपने पढ़ी जेवेनिल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेंसेंट फेज, तो एनुअल और बाइनियल में इन दोनों फेजेस को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करना, पता करना कि कौन सी फेज चल रही है, आसान होता है। बट पेरिनियल प्लांट में ये आसान नहीं होता। आप कोई मैंगो प्लांट है आपके घर के आसपास, उसमें फ्रूट लग रहे हैं, इस साल भी लगे हैं, नेक्स्ट ईयर भी लगेंगे, नेक्स्ट ईयर भी लगेंगे, तो अब आपसे पूछें कि वो किस स्टेज में चल रहा है,
वो लाइफ की कौन सी फेज है उसकी, तो बता पाना मुश्किल है कि वो ग्रोथ की फेज है या किस फेज में है, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि इन एनुअल एंड बाइनियल प्लांट थ्री फेजेस ऑफ लाइफ आर क्लियरली डिफाइंड, बट इन पेरिनियल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियरली आइडेंटिफाई द फेजेस। पेरिनियल में आइडेंटिफाई करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ओके अच्छा, तो प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होती है? तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, तो फ्लावरिंग के थ्रू होती है। तो जो प्लांट्स जो फ्लावरिंग करते हैं, तो उन फ्लावरिंग में कुछ स्पेशल फिनोमिनाज होते हैं। ओके तो हम यहाँ पर देख रहे हैं सम अनयूजुअल फ्लावरिंग फिनोमिना। अक्सर आप देखते हैं कि भाई फ्लावर सबको पसंद होते हैं, और गुलाब लगाया है आपने, मैरीगोल्ड लगाया है आपने, तो वो फ्लावर पर डे आपको मिल जाते हैं। पर क्या सारे प्लांट्स पर डे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं? नहीं, हम यहाँ पर कुछ प्लांट्स में डिस्कशन करेंगे जो बहुत ही स्पेशल फिनोमिना शो करते हैं। कैसा स्पेशल फिनोमिना? तो फ्लावरिंग का। जैसे आप देखेंगे बैम्बू प्लांट जो होता है, तो जो बैम्बू का प्लांट होता है, फ्लावर्स वंस इन इट्स लाइफ टाइम, पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही फ्लावर लगता है उसमें। और वहीं एक ऐसा प्लांट है जिसको हम क्या कहते हैं, नील कुरंजी, ठीक है, स्ट्रॉबिलेंथस कुल्थियाना। तो स्ट्रॉबिलेंथस कुल्थियाना जो है वो 12 साल में एक बार फ्लावर लगता है। इसमें कितने बार में? 12 साल में एक बार फ्लावर लगता है। तो पर्पल कलर के, ब्लूइश कलर के इसमें फ्लावर लगते हैं। हमारे यहाँ इंडिया में कर्नाटक और केरल में इस जो नीलकुरंजी है, जो कुल्थियाना है, इसके फ्लावर्स निकलते हैं। तो जब ये फ्लावर आते हैं, जब ये फ्लावर ग्रो करते हैं ना, तो वहाँ की पूरी जो हिल्स हैं वो पूरी एकदम कलरफुल हो जाती हैं, और टूरिस्ट के लिए बड़ी अट्रैक्शन होती हैं। तो इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चन आता है, इस वाले टॉपिक से, नीलकुरंजी वाले, कि वो क्यों ऐसा है कि वहाँ पे टूरिस्ट जो हैं वो पर्टिकुलर ईयर में काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे। तो वो रीज़न क्या होता है कि ये फ्लावर, इस प्लांट में फ्लावरिंग हुई थी, और वहाँ पे जो हिल्स होंगी वो काफ़ी कलरफुल हो जाती हैं। फिर अगर हम देखें वहीं, तो साइक्लिक चेंजेस इन एनिमल्स की बात करें, प्लांट की तो बात की, तो एनिमल्स की भी बात कर लेते हैं। तो एनिमल्स में कुछ साइक्लिक प्रोसेसेस होते हैं, साइक्लिक चेंजेस इन एनिमल्स। तो दो तरह के साइक्लिक प्रोसेस एनिमल्स में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने थोड़ा बहुत सुन रखा होगा, बस ऑस्ट्रस साइकिल भी देखते हैं। तो अगर जो जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल है, तो क्या होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो ये सेक्सुअल साइकिल होता है फीमेल्स में, जो कि 28 डेज का होता है। ह्यूमंस में बात करें तो 28 डेज का होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, साइकिल सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स, प्राइमेट्स मतलब जैसे एप्स होते हैं, मंकी होते हैं, ह्यूमन होते हैं, ये किस में आते हैं? ये प्राइमेट्स में आते हैं। तो प्राइमेट्स में जो सेक्सुअल साइकिल चलता है, जिसमें कि ओवरीज में चेंजेस होती हैं, ओव्यूलेशन होता है, कई सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उस चेंजेस को हम क्या कहते हैं? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, उस साइक्लिक चेंज को कहते हैं। और ऐसा ही चेंज अगर नॉन प्राइमेट्स में, काऊ में, डॉग में, ऐसे में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्ट्रस साइकिल। तो डेफिनेशन देखते हैं ऑस्ट्रस साइकिल की, क्या है? सेक्सुअल साइकिल ऑफ फीमेल किस में होगा? नॉन प्राइमेट्स में, दैट इंक्लूड चेंजेस इन ओवरीज, एसेसरी ग्लैंड्स, हॉर्मोन्स, फॉलोड बाय ओव्यूलेशन, जिसमें कि ओव्यूलेशन होगा, हॉर्मोनल चेंजेस होंगे, ये सारा कुछ होगा, तो हम उसको ऑस्ट्रस साइकिल कहते हैं। हीट नॉर्मल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? तो हीट, ऑस्ट्रस का मतलब ये हो गया हीट होना। तो वो हीटेड हो जाते हैं, वो सेक्सुअली एक्साइटेड हो जाते हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। इधर हम देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल, सेक्सुअल साइकिल इन फीमेल्स ऑफ प्राइमेट्स, ये प्राइमेट्स में होता है, सच एज एप्स, मंकी, ह्यूमन, इंक्लूडिंग चेंजेस इन ओवरीज फॉलोड बाय ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन होगा इस पूरे पीरियड में, तो ये हो जाएगा क्या? तो साइक्लिक प्रोसेस इन एनिमल्स। ओके बाय।